आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर पद्धत वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बकरंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का पारवल्य था। प्रेम की कथाएं और संगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी, जो लेखा की विरह कथा समाप्त करके सिरी और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले, उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर एक वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाए, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रभाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मलाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की। कौन पंडित अलोपी दिन? दादागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, बारहों मास सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर।
लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर बहुत जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के डेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही तो खिलौने हैं। उन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चलान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया कि यह अभी उर्दंड लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 भी नहीं? 40,000 नहीं 40,00,000 भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए
अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यापार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापियों का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गालनी और श्रोप भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना संपष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई सशस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उर्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह नमक का दारोगा सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सज्जन बांधवों ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक खिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भृंग हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर,
पढ़ना लिखना सब अखारत गया। इसके थोड़े दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल ना जाता तो अवश्य ही वह क्रोध में विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चुप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कृति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। समा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठुकुर सुहाते की बात असाहसी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शरमाते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनित भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं। आप जैसे कृतिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें ना विद्या है ना बुद्धि ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की,
इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरवत, उर्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया।